ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में लेके आए अकाउंटिंग अकाउंटिंग में सीखने वाले Tally.ERP9। Tally.ERP9 की क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ नया, और उसमें रहने वाला है कि जीएसटी का जो टैक्स होता है, वो जो टैक्स बनता है, उसको हम लोग किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि मंथ के जो एंड में हम लोग चाहते हैं कि पेमेंट ना करके और दूसरे मंथ में हम लोग पेमेंट करना चाहते हैं। मैंने जो एंट्री कर रखी है वो मैंने मान लेते हैं यहाँ पे जुलाई में कर रखी है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमने जो टैक्स बना वो कितना बना। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। ये टॉपिक करने से पहले ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल के आपको चैनल में जाना है, और जाने के बाद में Tally.ERP9 की प्ले लिस्ट मिलेगी आपको। वहाँ पर आपको 90, 91, 92 और 93 चार वीडियो आपको देखनी है, फिर आपको अपने कंप्यूटर में उनकी जो एंट्रीज है वो करनी है। आपको लोकल राज्य में आपको माल को खरीदना है और बेचना है, ऐसे ही आपको इंटरस्टेट दूसरे राज्य माल खरीदना बेचना है, लेकिन विद जीएसटी करना है। जब आप विद जीएसटी करेंगे तो आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। मान लेते हैं आपने 90, 91, 92, 93 वाली क्लास लेने के बाद अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिकल कर लिया है, तो आपको करना है गेटवे ऑफ टेली में बैलेंस शीट में जाना है। बैलेंस शीट में जाने के बाद में आपको इस बैलेंस शीट में आपको ऑल्ट के साथ F1 या डिटेल्ड क्लिक करना है। डिटेल्ड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको करंट लाइबिलिटीज मिलेंगी। करंट लाइबिलिटीज में हम लोग अगर जाएंगे तो यहाँ ड्यूटी एंड टैक्सेस मिलेगा कि हमारा जो टैक्स है वो कितना बन रहा है। इस पर एंटर प्रेस कर दो। यहाँ पे आपको IGST, CGST, IGST और SGST टोटल यहाँ पे 1080 CGST है, 2160 है जो IGST है, और इसके बाद SGST है 1080। टोटल मिला के 4320 रुपये का टैक्स बन रहा है। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे यदि ये क्रेडिट पक्ष में आ रहा है तो इसका मतलब होगा कि आपको पे करना है, और यदि ये डेबिट पक्ष में आ रहा है तो ये रिफंडेबल है, ठीक है। और आपको जब पे करना होगा तभी आपको पेबल की एंट्री चढ़ानी होगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो ये डेट देख रहा हूँ, मैं इसको एक बार F2 प्रेस करके या यहाँ से डेट चेंज करके देख लेता हूँ। 1.7, 1.1.4 से और 31.7 तक मैं देखना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पे ये पूरा टोटल उतना ही मिल रहा है, 4320। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं 31 जो जुलाई है, 31 जुलाई को मैं एंट्री करने वाला हूँ, लेकिन मैं पेमेंट जो करने वाला हूँ अगस्त में करने वाला हूँ। तो मैं ये क्या करूँ इसके लिए मुझे बैक आना है, और बैक आने के बाद मैं अकाउंटिंग इन्फो में जाना है एंड लेजर्स में जाना है, और एक लेजर क्रिएट करना है। तो आपको क्रिएट पे जाना है, मैंने बनाया हुआ है इसलिए मैं अल्टर पे जा रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ क्या बनाना है। आपको एक यहाँ पे GST पेबल नाम से एक लेजर क्रिएट करना है, और उस लेजर में लेजर का नेम होगा GST पेबल एंड अंडर के अंदर होगा प्रोविजन, ठीक है। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ ड्रॉप्स में से प्रोविजन लेना है, देन आगे जितने मैसेज नो है वो नो रहेंगे, और यस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जब ये आपका बन जाए तो उसके बाद में आपको जाना है गेटवे ऑफ टेली में SKP से बैक आके, और अकाउंटिंग बाउचर में अपन चलते हैं। अकाउंटिंग बाउचर में जब हम लोग जाते हैं तो अकाउंटिंग बाउचर में सबसे पहले हम लोग एक डेट सेट कर लेते हैं जिस डेट में कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 31.7 में एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे 31 जुलाई 2023 आना चाहिए आपके। इसके बाद में आपको जो एंट्री करनी है वो यहाँ पे करनी होती है जर्नल के अंदर, और जर्नल के लिए F7 की प्रेस करना होता है। क्लिक करेंगे देन यहाँ पे DR आ जाता है। सबसे पहले पूछा गया है DR क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पे ले लेंगे CGST का जितना भी अमाउंट बन रहा है वो यहाँ टोटल डाल देंगे। 1080 बन रहा है तो 1080 यहाँ पे डालेंगे, एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे CR आ गया, लेकिन मुझे DR चाहिए, तो D प्रेस करेंगे और ये DR से डेबिट बन जाएगा। और यहाँ पे आपको फिर लेना है यहाँ पे IGST, ठीक है। IGST लेंगे, IGST कितना बन रहा है, यदि बन रहा है तो लेंगे, नहीं बन रहा है तो नहीं लेंगे। 2160 बन रहा है तो हम 2160 यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद में मुझे फिर CR आ रहा, मुझे एक बार फिर DR चाहिए, D प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं SGST, और SGST यहाँ पे इस तरीके से लिया। SGST यदि बन रहा है तो लेंगे। करंट बैलेंस SGST का आ रहा है 1080, 1080, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे SGST का करंट बैलेंस 0, IGST का 0, SGST का 0, तीनों का 0 हो गया है, अर्थात यहाँ पे हमने टोटल 4320 कर दिया है। अब मैं यहाँ पे CR में क्या करूँ, CR में जो मुझे करना है, यदि मैं यहाँ पे डायरेक्ट पे करता तब तो मुझे करना होता था यहाँ पे क्या बैंक का, बैंक से पे कर रहे हैं तो बैंक का लेजर लेना होता था, लेकिन अब मुझे यहाँ पे क्या CR करना है, तो मैं यहाँ पे लूंगा GST पेबल। तो यहाँ पे मुझे क्या लेना होगा, यहाँ पे मुझे GST पेबल का लेजर लेना है, और इस तरीके से यहाँ पे ये क्रेडिट में आ जाएगा। डेबिट पक्ष आपका हो रहा है 4320 और क्रेडिट पक्ष भी 4320 हो रहा है। इस तरीके से एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये हमने 31 तारीख को इस तरीके से ये एंट्री कर दी, और आप इस तरीके से बैक आके यदि देखेंगे
आप एसकेपी से बैक आए और बैक आने के बाद वापस से बैलेंस शीट पे जाएं। बैलेंस शीट पे जाएंगे तो आपको क्या ये डिटेल्ड में देखना है, तो एफ ऑल्ट के साथ एफ1 प्रेस करें या डिटेल्ड पे क्लिक कर लें। यहाँ जाएंगे तो आप ड्यूटी एंड टैक्सेस में देखोगे, एंटर प्रेस करके तो आपको जीरो दिखाई देगा। इसका मतलब टैक्स का जो आपका अमाउंट है यहाँ से जा चुका है, बिल्कुल जीरो हो चुका है। लेकिन यहाँ पे उसके जस्ट नीचे एक एंट्री आ जाती है, एक आपको प्रोविजन नाम से एंट्री आ जाएगी, और यहाँ प्रोविजन नाम से जब एंट्री करेंगे तो दिखाई देगा कि जीएसटी पेबल है और वो 4320 अभी भी क्रेडिट पक्ष में है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने उसको जीएसटी को पे नहीं किया है, पेबल की एंट्री चढ़ाई है ताकि हमारा जो टैक्स वाला पार्ट है वो जीरो हो जाए और हमारा लॉस एंड प्रॉफिट सही से दिखाई दे। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। दूसरा, यहाँ पे अब हम लोगों को एक एंट्री करनी है, और हम लोगों को एंट्री करनी है अकाउंटिंग बाउचर में। अकाउंटिंग बाउचर में हम डेट चेंज करेंगे, मान लेते हैं कि 2.4 यानी कि हम 2 अगस्त में मान लेते हैं हम लोग जीएसटी पे कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको वहाँ पहले तो डेट चेंज कर लेनी है 2 अगस्त, और देन उसके बाद में पेमेंट के लिए पेमेंट वाउचर पे जाना है, F5 प्रेस करना है या पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। जब यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे DR पक्ष आएगा, DR में हमें जो लेना होगा वो लेना होगा जीएसटी पेबल। जीएसटी पेबल पे जैसे हम लेंगे तो यहाँ पे आपको अमाउंट पूछेगा डेबिट पक्ष में कितना है, तो वो जो करंट बैलेंस जो बन रहा है वो आपको डालना है। 4320 बन रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 4320 एंटर करेंगे, और CR में ये बताया कि आप पे किस तरीके से कर रहे हो, तो पे हम लोग कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका यहाँ पे कोई भी बैंक हो सकता है, जो भी आपका बैंक है जिससे पेमेंट कर रहे हो वो लेना है आपको, एंटर करना है। अब पूछा गया है कि आपका जो ट्रांजेक्शन आप पे कर रहे हो वो चेक से कर रहे हैं, तो यहाँ चेक लेंगे। यहाँ से आप चाहे तो स्पेस बार दबा के यहाँ से ये ई फंड ट्रांसफर भी ले सकते हो। ई फंड ट्रांसफर लेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने जब ट्रांसफर किया है तो कौन से अकाउंट नंबर में ट्रांसफर किया था, उसका IFSC कोड क्या है, उसकी बैंक नेम क्या है, उसका ट्रांजेक्शन नंबर क्या है, उसकी डेट क्या है। ठीक है, और यदि हम लोग इसको फोनपे जीपे या अदर किसी पेमेंट से कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या अदर ले लेंगे, और देन यहाँ पे उसका जो ट्रांजेक्शन नंबर है वो डाल देंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से अक्सर जो कंपनी होती है वो चेक से करती है, तो मैं यहाँ चेक ले रहा हूँ, एंटर करेंगे, देन चेक का नंबर यहाँ डाल देंगे। चेक का नंबर मान ले 1 2 3 4 5 6 है, जो उस चेक के ऊपर नंबर लिखा होगा वो नंबर यहाँ पे आपको डालना है। देन जो डेट है आप चेक पे जो डेट डाल रहे हो, एंट्री जो पास कर रहे हो, वो आपको करनी है 2 अगस्त है, एंटर करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। इस तरीके से ये होने के बाद एसकेप की से बैक आ जाएंगे, और बैक आने के बाद फिर से आपको बैलेंस शीट देखनी है, वहाँ पे आपको करंट बैलेंस देखना है, डबल क्लिक से ओपन हो जाएगा। और ओपन करने के बजाय हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं डिटेल्ड में, तो यहाँ डिटेल में हमें डायरेक्ट दिखाई देगा। और जब हम डिटेल में देखेंगे तो ड्यूटी एंड टैक्सेस के आगे भी कोई अमाउंट नहीं है, और प्रोविजन के अंदर भी कोई अमाउंट नहीं है। इसका मतलब हमारी जो एंट्री है, हमारा टैक्स है, वो पूरी तरीके से पे हो चुका है। इस तरीके से हम लोग टैक्स पे करते हैं। मैंने आपको इस वाले टॉपिक में बताया है कि टैक्स यदि आप जीएसटी पे कर रहे हो तो किस तरीके से पेबल एंट्री के साथ कर सकते हो, और इससे पहले 125 नंबर की जो वीडियो थी उसमें बताया था कि डायरेक्ट अगर पे कर रहे हो तो किस तरीके से करते हो। इस तरीके से मैंने आपको जीएसटी की जो लगभग सारी चीज़ें बता दी है यहाँ पे जीएसटी के, और गुड्स टैक्स मैंने आपको बताया है, सर्विस टैक्स यहाँ नहीं बताया है। तो मैं उस समय बाद में आपको एक सर्विस टैक्स की भी एक क्लास लेके आऊँगा, आपको चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए, मैं आपको यहाँ पर सारा कुछ सिखाने वाला हूँ। और चलते हैं अब नई क्लास के लिए। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में क्या रहने वाला मैं आपको सरप्राइज देने वाला हूँ, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।